हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो यूपी सेट एमसीए के लिए है। जो भी बच्चे एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू यूपी सेट, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियो होने वाली है कि एमसीए में एडमिशन लेने के लिए थ्रू यूपी सेट कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म कब आता है और इसके थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। इसके साथ में इसमें कौन कौन सी स्किल टेस्ट की जाती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। साथ में मैं सिलेबस भी शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आपको यूपी से फॉर एमसीए काफ़ी डिटेल में जानना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ यूपी सेट क्या है। तो यूपी सेट का जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक स्टेट लेवल टेस्ट है और जिसको एनटीए कंडक्ट करवाती है और एनटीए द्वारा इसमें इसका टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के विभाग पे जो इसमें मार्क्स आएंगे, जो आपकी रैंकिंग आएगी, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं अलग अलग कोर्सेज में। यूपी सेट के जो भी कॉलेज हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, जो यूपी सेट के थ्रू एडमिशन लेती हैं, चाहे वो गवर्नमेंटेड हों चाहे प्राइवेट हों, उन सभी में। इसके पहले 2020 तक क्या था कि यूपी सेट नाम का एग्ज़ाम नहीं था। उसके पहले UPSEE के नाम से एग्ज़ाम था और MET मालवी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी था। ये दो टेस्ट आते थे यूपी सेट के बजाय, ये दोनों टेस्ट थे, लेकिन अब जो है इन दोनों को हटा दिया गया है, सिर्फ एक टेस्ट किया गया, उसका नाम है यूपी सेट। यूपी सेट जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है 2021 में और इसको एनडीए कंडक्ट करवाती है, ये मैंने आपको बता दिया। यूपी सेट का आप ब्राउजर डाउनलोड करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसमें इन्होंने जो मिशन रखा है यूपी सेट करवाने का, वो इन्होंने ये रखा है कि अगर यूपी सेट करवाते हैं, जो कि अभी करवाया जा रहा है, 21 में चालू होगा, 22 में आगे चलता रहेगा, तो इसका जो मिशन है वो है कि इसकी जो इफिशियंसी एग्जाम की वो बढ़ाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ जाएगी, एग्जाम काफ़ी फेयर करवाने का इनका है और जो असेसमेंट टेस्ट होता है इसमें वो इंटरनेशनल लेवल का ले जाने के लिए इनका गोल है। इसलिए ये यूपी सेट लाए हुए हैं जिससे बच्चों की इफिशियंसी, एग्जाम का फेयर होना, ट्रांसपेरेंसी और लेवल ऑफ असेसमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो सके, इस वजह से ये करवाया जा रहा है, ये इनका मेन मिशन रहा है। अब यूपी सेट के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज आते हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, या कह सकते हैं लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर, उसके बारे में डिस्कशन करूँ। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो कॉलेज लेते हैं, जो कोर्सेज के थ्रू होता है, वो कोर्सेज हैं कि बी फार्मा, बी डेस, बी एच एम सी टी, बी ओकोशनल एंड बी फैट, बी एफ ए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इंटीग्रेटेड एमसीए। जो मेरा फोकस मेन है वो एमसीए पे है। तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ये जितने भी बताए मैंने वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं और इसके साथ में MBA भी करवा रहे हैं जो कि इंटीग्रेटेड है। और इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि आपका विथ ग्रेजुएशन प्लस विथ मास्टर दोनों एक साथ करवाएंगे। 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है एंड 2 ईयर का मास्टर्स है, चाहे एमसीए करें एमबीए करें, तो आपका टोटल 5 ईयर होता है। वही बात करूँ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ जो है एडमिशन होता है वो है एमसीए का, जो कि 2 ईयर एमसीए है। पूरे यूपी में जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में 2020 से 2 ईयर का एमसीए हो चुका है, एक्सेप्ट NITs। NIT इलाहाबाद है, उसमें नहीं हुआ है। और जितने भी कोर्सेज हैं, सभी जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब में 2 ईयर का हो चुका है। इसके अलावा कुछ लेटरल एंट्री भी देती है, यूपी सेट के थ्रू लिया जाता है, जैसे कि चाहे SBT हुआ, चाहे AKTU के कॉलेज हुए, चाहे MMM गोरखपुर हो गया, इन सभी में लेटरल एंट्री भी होता है। और लेटरल एंट्री के जो कोर्सेज होते हैं वो एक BTech है और एक BPharma है। तो बात करूँ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है अगर आप यूपी सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो पहला ये है कि आपके मम्मी या पापा यूपी के रेसिडेंट्स हों, या अगर कहीं और रह रहे हैं तो उनका जो एक्चुअल एड्रेस हो यूपी का हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आपने लास्ट ग्रेजुएशन जो आपने किया है, लास्ट डिग्री ली है, वो यूपी से किया हो, ये कंडीशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूपी सेट 2021 2021 में जो यूपी सेट हुआ था उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया था एडमिशन लेने के लिए। और
जो बच्चे एमसीए में एडमिशन ले जाते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो कैंडिडेट हो वो यूपी बोर्ड से या किसी और भी बोर्ड से 10+2 किया हो और उसका जो मार्क्स हो 45% हो। अगर इन केस वो SC ST रिजर्व कैटेगरी या OBC से बिलोंग करता है तो उसकी अगर 40% भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 40% होना चाहिए अगर आप SC ST या OBC से हैं, एंड अगर 45% हो फॉर जनरल कैंडिडेट। ये रहा हमारा MCA फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स। अब वही बात करूं अगर सिर्फ MCA का कि MCA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री हो, चाहे वो BCA हो, BSc हो, BSc हो या बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो, BTEC किए हो, BCOM किए हो या BA किए हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका किसी एक ईयर में एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स होना जरूरी है और साथ में आपका मिनिमम 50% मार्क्स अचीव किए हो। और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% भी है तब भी चल जाएगा। ये जो MCA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉर AKTU लखनऊ के लिए है। जो भी AKTU के थ्रू एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर UPSET के थ्रू एडमिशन किसी और कॉलेज में हो रहा है जो AKTU से एफिलिएटेड नहीं है लेकिन UPSET के थ्रू ले रहा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है। उसका जो एक स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस एग्ज़ाम पैटर्न का कि किस बेस पे एग्ज़ाम होता है, क्या क्या पैटर्न ये फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये एग्ज़ाम जो होता है वो CBT मोड से होता है। पहले जो था जब ये UPSET नहीं था उसके पहले पेन एंड पेपर बेस्ड था, लेकिन अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो मीडियम होगा एग्जाम का वो बाई लैंग्वेज होगा, फॉर MBA एंड MCA इंटीग्रेटेड। आप हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस के लिए आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो MMUT का हो गया, चाहे AKTU का हो गया, चाहे SBTU का हो गया, तीनों का सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करिए MMUT.ac.in, AKTU.ac.in और SBTU.ac.in, इन वेबसाइट को कॉपी करिए और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करिए और वहाँ से आप अपने MCA का जो सिलेबस है या किसी और कोर्स का उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में एक चीज़ और है कि कितने नंबर आप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो बात यह है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये प्लस पॉइंट है। टोटल 400 मार्क्स का होता है। जो ड्यूरेशन होती है एग्जाम की वो 2 आवर्स होती है, 2 घंटे का पेपर होगा, विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग आप दे सकते हैं। और इसमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो है, इसमें 4 सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन में क्या होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है, जिसमें 25 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट होता है पार्ट बी, उसको बोलते हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। पार्ट सी जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, जो 25 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का इसमें भी होता है। लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि ये MCA का मैं बता रहा हूँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब कुछ, तो MCA के लिए जो एग्जाम पैटर्न है जो ये है उसमें कंप्यूटर चीज़ें ऐड की जाएंगी, ये कंपलसरी है। तो इसके लिए भी 25 क्वेश्चन ये रखते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पूरे पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन है, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, जो गलत होंगे कोई बात नहीं, जो सही होंगे उसके बिहार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ सिलेबस का, बता दिया सिलेबस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है या किसी लिंक पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि क्या UPSET की जो प्रिपरेशन है उसके लिए कोचिंग करना जरूरी है या नहीं है, तो उसके लिए
कोई जरूरी नहीं है कि आप यूपी सेट, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है कि आप इसके लिए कोचिंग ही करें, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर मेंटरशिप मिले टाइम टू टाइम, अपने आप को आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं जिस तरह एग्जाम का पैटर्न बना हुआ, तो आप डेफिनेटली कोचिंग ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो विदाउट कोचिंग भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट कोचिंग के लिए कैसे तैयारी करें, कहाँ से कंटेंट लें, कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे तैयारी कहाँ से करनी है, बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो जो कि यूपी सेट पे पेस्ट है। अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और सारे जवाब जो मिलेंगे आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश मैं करता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल MCA रिलेटेड वीडियो और प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियोज, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो कम्प्लीटली MCAs के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो MCA का एडमिशन ले रहे हैं तो आपको आगे जॉब के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम हर तरह के जो MCA के जॉब होते हैं, प्लेसमेंट से रिलेटेड होती हैं, चाहे इंटर्नशिप हो, वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी मेंटरशिप के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो, कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।